हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार और आप देख रहे हो टेक फ्री 200। दोस्तों वीडियो पे अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों, क्योंकि आप आखिरी में ये काम करना भूल जाते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके घर के प्लस्तर की। दोस्तों प्लस्तर में आप किस तरह करते हैं और आप प्लस्तर करते समय किन चीजों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज है, अगर आप प्लास्टर करवा रहे हो तो सबसे मेन चीज आपके घर में सबसे मेन चीज है दोस्तों, आपके घर की तरी अच्छे से हो जानी चाहिए। दोस्तों आपकी 4 इंची दीवार हो या 8 इंची दीवार हो, मगर उसके अंदर तरी अगर प्रॉपर होगी तो आपका प्लास्टर अच्छा रहेगा दोस्तों, अन्यथा आपका प्लास्टर वो अच्छा नहीं रहेगा और ना ही वो अच्छा से पकड़ करेगा, हो सकता है बाद में वो पोपड़े भी मार दे दोस्तों। तो इसलिए आपको प्लास्टर करते समय एक चीज का तो हमेशा ध्यान रखना है कि मकान की तरी अगर अच्छे से होगी तो ही प्लास्टर टिक पाएगा, अन्यथा आपका प्लास्टर कोपड़ा मारेगा और क्रैक भी मार देगा दोस्तों। दूसरी बात, अगर आप प्लास्टर करवाते हो 8 इंची दीवार हो या 4 इंची दीवार हो, इसमें आपको बड़ा माल करवाना ही पड़ता है। अगर ये माल अगर नहीं करवाते हो तो भी आपको ये समस्या आती है दोस्तों। अगर आप समझते हो कि हम डायरेक्ट बालू से ही प्लास्टर कर देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगर मोटा माल नहीं होगा तो आपके घर का प्लास्टर फिर भी क्रैक मारेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो बालू रहती है जब वो सुकड़ाती है तो उसमें क्रैक बनता है दोस्तों। तो इसलिए आपके घर के प्लास्टर के लिए सबसे मेन चीज है दरी और मोटा माल, उसके बाद में आप उसको प्लास्टर के लिए अच्छे से कर सकते हो। अगर ये दोनों चीज अगर आपने नहीं देखी उसके अंदर, या फिर आपने इनमें से किसी चीज का खामी कर दिया, या तो तरी की खामी कर दी, मान लो आपने मोटा माल तो लगवा लिया तो बाकी आपने फिर तरी उसमें कम करी है, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। सबसे मेन चीज रहती है तरी, उसके बाद में आता है फिर मोटा माल। तो इसलिए आपको प्लास्टर कराने से पहले मोटा माल बहुत जरूरी है दोस्तों। मोटा माल अगर करवाओगे तो आपके जो प्लास्टर की है ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा और वो अच्छे से मजबूती पकड़ेगा, उसके बाद में आपके दीवारों में क्रैक भी नहीं आएगा। और अगर मान लो डायरेक्ट होगा तो क्रैक तो बनेगा ही उसमें, क्योंकि माल जब चिपकने के बाद में सुकड़ाता है और सुकड़ाने के बाद में उसमें हल्की सी दरारें आती है, जिसको आम भाषा में उसको ईयर बोलते हैं, वो ईयर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो माल सुकड़ाता है उसके बाद में उसमें हल्की सी क्रैक आती है। तो इसलिए आप ज्यादा क्रैक ना आए इसलिए आपको मोटा माल और तरी उतना बहुत जरूरी है दोस्तों मकान के अंदर। दूसरी बात, हम आपको लाइव भी ले चलेंगे जहां प्लास्टर हो रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों फिर मैं आपको कह रहा हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हम आपके लिए प्रतिदिन इस तरह की वीडियो हमारे मिस्त्री भाइयों के लिए लाते। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे साइट पे और ये भाई साहब ने माल बना लिया है जहां पे जो प्लास्टर हो रहा है, छत की प्लास्टर हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको माल बनाने का जो बताते हैं हम कि माल अगर सही तरीके से घुटेगा तो ही प्लास्टर में वह जान आएगी जो कि आप तरी और मोटा माल करने से आती है। मतलब इसमें क्या है, 2-3 चीज अहम रहती है दोस्तों, जिससे आपका जो प्लास्टर की मजबूती काफी अच्छी तरह से बनी रहे। अगर आपने तरी अच्छी कर ली, मोटा माल भी लगा दिया, और अगर आपने माल नहीं बनाया अच्छे से, या माल की सीमेंट की जो मात्रा है वो कम या ज्यादा कर दी गई है, तो भी आपको दिक्कत है दोस्तों। तो आपको अगर प्लास्टर कर रहे हो तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप 4 तगारी रेती, अगर मोटा हल्का मोटा दाना है तो 4 तगारी रेती में आप 1 तगारी सीमेंट अगर लगाएंगे तो ही आप प्रॉपर जो उसका माल का जो सही तरीके से बनेगा वो, और रेती हल्की सी दगरी ही यूज करें प्लास्टर में। अगर ज्यादा बारीक यूज करेंगे तो प्लास्टर फट जाएगा दोस्तों, फटेगा, क्रेक मारेगा। और अगर मान लो आपने ज्यादा मोटी भी कर ली तो उससे दिक्कत तो कुछ नहीं आना, खाली फिनिशिंग का दिक्कत होता है उसमें, फिनिशिंग वो नहीं आती है जो प्लास्टर की रहती है। तो ये हल्का जो मीडियम साइज का जो दाना रहता है रेती का, वही आपको यूज करना है इसमें। तो दोस्तों प्लास्टर में जो अहम चीज रहती है, 2-3 चीज रहती है, आप इसमें प्रॉपर तरी करें। तरी करने के बाद में आपको अगर दीवार की करवा रहे हो तो मोटा माल करवाएं, और उसके बाद में
उसकी माल की क्वांटिटी सही से करें, और दूसरी बात इसमें आप तरी कितने दिन करते हो, फिर प्लास्टर कंप्लीट, ये भाई साहब ने कर दिया प्लास्टर कंप्लीट कर दिया है, स्पंज घुमा रहे हैं, तो आप तरी कितने दिन करोगे, इसमें तरी करने का जो प्रोसेस रहता है, काफी कंपनियां तो 15-15-20 दिन का देती, मगर आप कम से कम इसमें 10 दिन तरी तो करना ही चाहिए। और तरी करने का यह मतलब नहीं है कि आप एक दिन आए और पानी एक बार छिड़ दिया और चले गए, क्योंकि वो तरी नहीं होती है दोस्तों। तरी अगर गर्मी का मौसम रहता है तो समझ लो आपको 3 टाइम तरी इसमें बहुत जरूरी होता है, अगर ठंड का टाइम है तो आप इसमें 2 टाइम तरी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, तभी जाके आपके जो घर के प्लास्टर की जो मजबूती है दोस्तों वो सही तरीके से बन पाएगी। और आप जब उसमें कील ठोकना भी चाहोगे तो उसमें कील नहीं ठोकेगी, तो मतलब आप समझ लेना कि आपके जो घर की प्लास्टर की जो मजबूती है वो एकदम सही तरीके से। बहुत सारे प्लास्टर में अगर हथौड़ी मारो प्लास्टर का छिलका बाहर आ जाता है, तो वो प्लास्टर में क्या रहता है, तो उस मकान के अंदर तरी नहीं होगी या फिर माल सही से नहीं बना हुआ, ये 2 कंडीशनों में ऐसा ही होता है। आप हथौड़ी जोर से मारोगे तो उसका छिलका बाहर फिकला जाएगा, तो इसलिए आपको वो गलतियां नहीं करना है, क्योंकि मकान बनाने में काफी पैसे लगते हैं, काफी मेहनत का पैसा रहता है दोस्तों। तो इसको आप इन छोटी सी जो चीजों, छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके घर का जो प्लास्टर है बहुत सही तरीके से रहेगा वो, और अच्छा मजबूती में रहेगा, और ना कि एयर मारेगा वो। और इस तरह से अगर मान लो आप रखोगे तो इसमें मतलब बहुत काफी अच्छा रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड धन्यवाद।